So hello everyone, this is Mahima and today we have with us the very beautiful and the super entertaining Nikki Tamboli. Hi Nikki, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm great. Everybody is loving you after just two episodes. Everybody is calling you the most entertaining contestant of Khatron Ke Khiladi 11 this time. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Means a lot actually. After getting eliminated, it means a lot. So this stunt reality show is different from anything you've done before. I mean, you've done Big Boss, but usme itne zyada stunts nahi the. Yahan stunts hai, wahan task the. So how's your experience? Yeah. See, beside the stunts, if I talk about the show and my entire friends, talk about the team, the crew, I had an amazing experience working with them. Colors have been like a backbone for me. They have given me everything they have given me. So, unke saath kaam karke hamesha acha lagta hai, no matter what. Kaafi naye dost banaye hai, aur ye mauka tabhi mila jab maine Khatron sign kiya and I went to Cape Town and kaafi jaldi ek hafte mein hi kaafi logon ke saath dosti achhi ho gayi thi, bonding bahut strong ho gayi thi. So overall it was fantastic journey, superb journey. साथ में बैठ के breakfast करते थे सारे contestants. Stunts के बाद तीन तीन stunts हम करते थे, उसके बाद एक साथ एक room में बैठ के हम लोग, एक hotel room में बैठ के हम लोग खाना खाते थे, छेड़ते थे कौन stunt करता था कौन नहीं करता था, टांग खींचते थे, रुलाते थे, हंसाते थे. So overall it was fantastic journey. Yeah. That's amazing. So while some of your fans are very, very sad that you had to leave the show, you were eliminated after only 2 days, there are some who are also trolling you for giving up. How are you dealing with all that negativity on social media? See, I was damn sure ki trolling hogi, kyunki jab aap आपको सब पता होता है कि आपके साथ क्या होने वाला. I don't know how many people can relate, but I know. Like for example, when my brother was in hospital and when he was मतलब जब मुझे पता था कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो आई गॉट एन आइडिया कि आगे क्या होने वाला है एंड आई वॉज रेडी टू टेक एनीथिंग जो भी आ रहा है रास्ते में. आई वॉज रेडी मेंटली. जब मैंने साइन किया, एवरीथिंग वॉज फाइन विथ मी. ठीक है, मेरा मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, एवरीथिंग वॉज फाइन और खुशी खुशी मैंने साइन करा एंड आई वॉज लाइक कि मैं फाइनलिस्ट तो बन ही जाऊंगी, यू नो आगे तक बहुत जाऊंगी और अच्छे से परफॉर्म करूंगी. हाँ, डर है, फोबियाज बहुत है, बट शो में लोग जाते हैं ओवरकम करने के लिए, तो ओवरकम हो जाएगा. एक बार नहीं, दो तीन बार करके हो ही जाएगा, यू नो. तो इतना स्ट्रेस नहीं था, बट व्हाटएवर हैपेंड इन माय फैमिली, चार दिन बाद तुरंत फोर्थ को हुआ एंड तुरंत मैं सिक्स्थ को गई एंड चार दिन बाद शो शुरू हुआ, यू नो. अब था कि जो हुआ हादसा मेरे फैमिली में, वो एक था विच आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. और सेकेंड, सी वेर आई न्यू कि जो हो गया है वो पता तो होता है कि इट्स गॉन, ही इज गॉन, बट एक्सेप्ट हम इमिडिएटली नहीं कर पाते, यू नो. और सेकेंड ये होता है कि आपको डर भी है, जो मेरे को स्टंट दे रहे थे क्रीपी क्रॉलीज एंड रेपेंस, वो डर भी था. तो दीज बोथ सिचुएशन मेड मी गो मैड एंड आई कुडंट परफॉर्म बिकॉज ऑफ दैट, यू नो. चलो अगर कुछ नहीं होता मेरे लाइफ में, मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, तो मैं एक टाइम पे ट्राई दे देती, यू नो, कैसे ना कैसे करके मैं आगे तक चली ही जाती. बट पता नहीं व्हाट हैपेंड, इट वाज अ वीक मोमेंट फॉर मी और इट वाज अ बैड टाइमिंग कि जस्ट हुआ और मैं शो में चली गई ऑन, यू नो, और बराबर से हुआ नहीं मेरे से, उसके वजह से मैं एलिमिनेट हो गई. बट या मुझे पता था जब मैं निकल गई, मुझे पता था मुझे ट्रोलिंग भी सहना पड़ेगा, बट विच इज फाइन विद मी, यू नो. अगर लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे तो यू वोंट बी दैट मोटिवेटेड अगेन इन लाइफ एंड यू वोंट प्रूव इट टू यूर सेल्फ इन योर फ्यूचर, यू नो. हम किसी, मैं किसी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, आई डोंट, यू नो, वर्क हार्ड. आई जस्ट वर्क हार्ड फॉर माई सेटिस्फैक्शन और मुझे जो अचीव करना है मैं उसके लिए वर्क हार्ड करती हूँ. बट अगर जब तक लोग आपको नीचा ना दिखाएंगे, ट्रोल नहीं करेंगे, आप में वो दम या आप में वो हिम्मत आएगी ही नहीं कि अपने आप को आपके नजर में अगर आप गिर जाते हो, जैसे मैं गिर गई बिकॉज आई कुडंट परफॉर्म एंड विच आई वॉज डैम श्योर आई विल बी एबल टू परफॉर्म, बट वो नहीं हुआ कुछ सिचुएशन की वजह से. बट अभी क्योंकि लोग मुझे ट्रोल करे, तो मुझ में वो एक हिम्मत आई है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन सम और द अदर वे. तो क्रिटिसिज्म होता है और जो ट्रोलर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में, यू नो. टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड जस्ट गो अहेड इन लाइफ. या See, what I feel is that you're already a winner because aapme itni strength thi that you went for the show even after facing such a big loss. Aur itne bade bade stunts aapne matlab dekhe hain,
देख के डर लग जाए किसी को भी, आपके कंपेटिटर सौरभ राज जैन भी साइड से बोल रहे थे, हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा ये इतना डिफिकल्ट है, ये कैसे करेगी, ये कोई भी कैसे करेगा. सो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी मेड योर विनर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड थैंक यू. सो यू बेसिकली साइन द शो फॉर योर ब्रदर, आई मीन इट वॉज हिज विश फॉर यू कि आप किसी दिन इस शो पे जाए. Yeah, yeah. So, when I signed Big Boss, he was like, Big Boss, ठीक है तू खतरों के खिलाड़ी में जा, तू सब कर लेगी, तू बहुत ब्रेव है, ये है. मैंने कहा अभी तक तो खतरों के ऑफर नहीं है, बिग बॉस की ऑफर आई, क्या करूँ बता जल्दी. He was like, वो तेरी मर्जी, तुझे करना है तू कर ले. So, I wanted to do Big Boss. I've been a huge fan. तो मैंने किया. जब खतरों आया, he was like, you have to go because I know you have your phobias, पता है, but in spite of everything, overcome हो जाएगा. लोग होते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो कुछ हार्म नहीं करते. इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम योर फियर्स सो इजीली, बट वहां पे यू गो देयर, यू ओवरकम योर फियर, यू नो, एक दो बार करके हो जाता है. तो मेरे को पता था कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जुगाड़ करके मेरा हो जाता, यू नो, मैं अपने आप पे इतनी हार्ड हो जाती एक टाइम पे कि मैं स्टंट कंप्लीट कर लेती. बट जो सिचुएशन हैपन टू मी, राइट, इट जस्ट मेड मी गो मैड एंड आई कुडंट परफॉर्म. या Okay, so Nikki, you did not make it to the finals. You didn't even make it to the third episode. But you made a lot of friends and you made a lot of memories. Or fans are loving you. आप इतने entertaining हो. और सबसे ज़्यादा special जो bond आपका दिखा है वो है Arjun Bijlani के साथ. TV actor Arjun Bijlani. Yeah. So yeah. Tell us something about it. आप लोग इतने cute लगते हो साथ में. थैंक यू सो मच. एक्चुअली हमारी बॉन्डिंग बहुत जल्दी बन गई थी. एयरपोर्ट पे वी क्लिक्ड एंड वी वर लाइक फ्रेंड्स. एंड जब हम केप टाउन में गए, पहले पहले तो हमारा रियलिटी शूट हो रहा था, तो सब लोग एक दूसरे को जान ही रहे थे. उसमें मैंने अर्जुन को बहुत पहले जान लिया, अर्जुन और रास्ता को. ही इज अमेजिंग गाय, ही इज सेंस ऑफ ह्यूमर इज आउटस्टैंडिंग. आई लव पीपल हु मेक अदर पीपल लाफ. वो बहुत मुझे हंसाते हैं, बहुत हंसाते हैं. His sense of humor is outstanding, जैसे कि मैंने कहा. एंड बहुत sensible बातें करते हैं, मतलब उनको पता है कभी क्या बात करना है, कभी किसको कैसे सिचुएशन को फनी बनाना है, यू नो. तो आई वॉज गोइंग इन अ वेरी डिप्रेस्ड जोन. आई वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन माई लाइफ, जो मेरे फैमिली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ. तो उनको पता है कि निक्की का मूड कैसे रिफ्रेशिंग करे, यू नो, उसको कैसे हंसाए, यू नो. तो he was making an for to make me feel good, make me feel comfortable and make me feel happy, which I really appreciate. And when I meet such people who make an effort to be there in your life, to wo mere hamesha hamesha life long ke liye dost ban jate hain. To usme se ek hai Arjun Bijlani. He is one of my sweetest and kindest friend I have ever met, and I thank God ki mujhe Arjun Bijlani jaisa dost mila hai mere life mein, who is also so supporting, you know, bahut सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे डे वन से. ही न्यू वेरी वेल कि वाइल्ड परफॉर्मिंग द स्टंट, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बहुत कम लोग समझते हैं कि आपका मेंटल आप किस जोन में हो फिलहाल और आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, यू नो. हर कोई आपको नहीं समझ सकता. तो आई थिंक सो आई एम ब्लेस्ड विथ हैविंग सच वंडरफुल फ्रेंड लाइक अर्जुन, जो जिन्होंने मुझे समझा है. जहाँ पे हर कोई मुझे बोल रहा था कि निक्की गो फॉर इट, निक्की डू इट, निक्की तू कर सकती है, देर इवन मतलब वहां पे अर्जुन एक अलग स्टैंड ले रहा था कि शी विल डू इट, बट एट द सेम टाइम यार उसका सिचुएशन तो समझो, उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे होंगे, भाई के बारे में सोच रही होगी, प्रॉब्लम्स है, ये सोच रही होगी, एंड उसके फियर्स भी तो है, फोबिया भी तो है, उसको एक दिन में थोड़ी ओवरकम कर सकते. तो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड कि यार कोई तो एक बंदा है हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, दैट हाउ यू आर, एंड यू नो, एंड हु इज ट्राइंग टू फाइट विद एवरीवन, नॉट इन अ फाइट वे, बट इन अ डिसेंट एंड सोफिस्टिकेटेड वे इज ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वॉट इज गोइंग इन साइड माई हेड, वाई आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म द स्टंट. तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ, इज अ वंडरफुल फ्रेंड. Yes, so Vishal Aditya Singh and you are being called the new couple on the vlog because your pictures are so cute. So what do you have to say about these rumors? Yes, if rumors hi aisa koi
ऐसा नहीं है कि वी आर डेटिंग, ऐसे कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ रूमर. और आई वुड लव टू से समथिंग गुड अबाउट विशाल, विच इज एक्चुअली द ट्रुथ, यू नो. ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय. मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अगर किसी का स्टंट देखा तो पैसा वसूल स्टंट है, तो वो है विशाल आदित्य सिंह का. मतलब कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो ही इज लाइक दैट. मतलब कितना भी डिफिकल्ट स्टंट दे, वो कंप्लीट करेगा ही करेगा फॉर श्योर. ये तो अभी बस एलिमिनेशन का आपने देखा, इसके बाद की आपको विशाल की जर्नी देखनी है. ही इज आउटस्टैंडिंग, ही इज शाइनिंग एवरीवेयर. Everyone is saying Vishal, 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 Vishal. यहाँ तक कि मुझे जितना लगता है रोहित सर का भी फेवरेट स्टंट विशाल ही है. He has done a great and fab job. You know, जितना मतलब वो काफी डिप्रेस भी था. मतलब नॉट डिप्रेस डिप्रेस बट काइंड ऑफ की जिस तरीके से उनकी इमेज बन गई थी बिग बॉस में, उनको उस इमेज से बाहर निकलना था. एंड ही मतलब वो इमेज वो बन गई थी बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, तो वैसा वो बिल्कुल है नहीं. ही प्रूव्ड व्हाट ही इज एंड व्हाट ही कैन अचीव इन हिज लाइफ, उसने इस शो में वो प्रूव कर दिया है. आई मीन मैं तो कभी शॉक नहीं ले पाती, बट जिस तरीके से विशाल ने शॉक लिए है, हैट्स ऑफ टू दैट गाय. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंस्पायरिंग. एंड या ओके, सो आपने बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाए और आपके साथ दो फ्रेंड्स, दो ओल्ड फ्रेंड्स भी गए हैं बिग बॉस के, राहुल वैद्या एंड अभिनव शुक्ला. सो आपने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, दोनों के साथ आपकी दोनों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है. क्या खतरों के खिलाड़ी के टाइम पे आपकी इक्वेशन कोई चेंज हुई, ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई या थोड़े डिफरेंसेस या एनीथिंग लाइक दैट, कोई ऐसा इक्वेशन में चेंज आया? इक्वेशन उल्टी ज्यादा अच्छी हो गई. पहले आई वॉज क्लोज टू रुबीना, नाउ आई बिकेम क्लोज टू अभिनव, क्योंकि ऑब्वियसली एक डेढ़ महीने हम साथ में थे. एंड ऑब्वियसली विथ राहुल ऑल्सो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी. बिग बॉस एक ऐसा शो है वहां पे आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना पड़ता है, यू नो, टू गो अप. बट दिस शो इज बेसिकली टू इंस्पायर ईच अदर, मोटिवेट ईच अदर एंड ग्रो टूगेदर, यू नो. तो डेफिनेटली बॉन्डिंग दोनों से बहुत अच्छी मेरी हो गई थी बिकॉज ऑफ खतरों के खिलाड़ी. और काफी फन किया, काफी मस्ती करे हमने. अभिनव मैंने साथ में परफॉर्म भी किया है स्टंट, पता नहीं अभी लेट्स सी. और अभिनव और राहुल ने भी साथ में परफॉर्म किया है, तो इट्स गोना बी अ फन. फैंस को बड़ा मजा आएगा देख के साथ में. डेफिनेटली, क्योंकि हमने एक जगह देखा कि आप और अभिनव पहले लड़ते थे बिग बॉस के स्टार्टिंग में, फिर आप इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए और अब आप लोग और अच्छे फ्रेंड्स. आप और राहुल का भी ऐसे इक्वेशन, ऐसे फ्रेंडशिप गई है, बट इन द एंड यू वर ऑल लाइक देयर फॉर ईच अदर, सो दैट्स रियली नाइस. यस. सो निकी, इफ यू हैड टू कंपेयर योर बिग बॉस जर्नी टू योर खतरों के खिलाड़ी जर्नी, व्हिच डू यू थिंक वाज मोर एंटरटेनिंग एंड फन फॉर यू एंड व्हिच वाज मोर चैलेंजिंग? बिग बॉस वाज चैलेंजिंग, आई विल टेल यू, क्योंकि अगर ये ट्रेजेडी मेरे साथ नहीं होती तो आई थिंक सो मैं अपना और 100% दे पाती इन खतरों के खिलाड़ी. बट इफ यू टॉक अबाउट बिग बॉस, वहां पे लोग डरते जाने के लिए बिकॉज इट्स ऑल अ माइंड गेम एंड माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. हमारे हाथ पैर उठ जाते हैं. अगर कोई हमें नॉर्मल लाइफ में अगर कोई चिढ़ा दे तो यू विल स्लैप हिम, राइट, हिम ऑर हर. तो वहां पे यू कांट डू, हिंसा इज नॉट अलाउड. तो अपने आप को कितना आप कंट्रोल करते हो, दैट इज ऑल्सो इन योर माइंड. तो दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट शो. सो फॉर मी बिग बॉस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट शो. इवन खतरों भी डिफिकल्ट था बट मैं खतरों में और अच्छा कर पाती. बट ठीक है, यू ऑलवेज गेट अ सेकेंड चांस, तो लेट्स सी. अगर आपको एक्चुअल में सेकंड चांस मिले तो आप कहां जाना प्रेफर करोगे, खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस? सी, अभी बिग बॉस में तो लोगों को प्रूफ कर दिया, तो डेफिनेटली खतरों के खिलाड़ी. ओके, ग्रेट. सो निकी, अप नेक्स्ट आपका, आपने एक और मूवी साइन की है राघवा लॉरेंस के साथ, आफ्टर कंचना 3. एनीथिंग यू कैन टेल अस अबाउट दैट? See, I'm very excited for that film. बस dates मेरे match नहीं हो रहे because of reality show back to back, music videos आ रहे. तो बहुत जल्दी मेरे जैसे ही dates free हो जाएंगे, I'll start shooting for that. I'm also doing a Bollywood film opposite Tamashi, who is Mithun's son. वो अभी Bad Boys के release के यहाँ पे लगे हुए हैं. He was also shooting with his father, a song sequence था.
तो बस उसमें वो बिजी है, जैसे उनके और मेरे डेट्स मैच हो जाए तो हम लोग उसके लिए भी बहुत जल्दी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे. एंड देर आर मेनी वेब सीरीज लाइंड अप है, मीटिंग्स चल रही है, बातें हो रही है, देर आर ऑल्सो शॉर्ट फिल्म जिसके लिए बातचीत हो रही है. तो काफी चीजें लाइंड अप है, बहुत जल्दी मैं बताऊंगी. Very excited to see you more on screen. या So, या before थैंक I यू. take your leave, I have one more question to ask you. अगर इस साल आप कंटेस्टेंट नहीं होते खतरों के खिलाड़ी 11 में, सीजन 11 में, तो आप किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते? आपके हिसाब से मतलब कौन इतना अच्छा था कि वो जीतने को मतलब पूरा डिजर्व करता है? विशाल से डिजर्व तो सारे करते हैं क्योंकि सबने अलग अलग चांद लगाए हैं. यू नो एवरीवन, मतलब कोई किस में अच्छा था तो कोई किस में अच्छा था. मैंने जिसको देखा कि मुझे वो पसंद आया, मेरा पर्सपेक्टिव वो है विशाल. That's great. That's so sweet. So all the best, Nikki, for all your future थैंक projects. यू We are थैंक very excited to see more of you. And good luck. यू I'm really sorry for थैंक यू your सो मच. loss, but it's really nice to see how strong you are. Keep going, and we are all here to support थैंक यू. you.